हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग स्किन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और एक और टॉपिक है, ये हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन का एक बेसिक सा टॉपिक, लाइन पैरामीटर में हम लोग इसे आज देखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए, उससे पहले एक क्वेश्चन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पीवी सिंधु बिकम चैम्पियन आफ्टर सी डिफीटेड। जो पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की अभी चैंपियन बनी, वो किसे हराकर चैंपियन बनी? ऑप्शन है नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन बी आयाका टकासी, सी अकामे यामागुची, या डी साइना। तो इसका आप लोग का राइट आंसर अगर पता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हम लोग को बता दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अभी हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दें अभी, ओके। चलिए नेक्स्ट में स्किन इफेक्ट की बात की जा रही है, स्किन इफेक्ट पूछा जा रहा है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो स्किन इफेक्ट होता है इज ए टेंडेंसी फॉर अल्टरनेटिंग करेंट एसी टू फ्लो मोस्टली नियर द आउटर सर्फेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसके बारे में बता रहे हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर उसमें मेरा एसी सप्लाई हो रहा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है, जो मेरा स्किन इफेक्ट के कारण जो है टेंडेंसी टू, जो वो मेरा क्या होता है, सरफेस के और मतलब ये जो सरफेस है उसके करीब करीब मेरा करंट डेंसिटी हाई रहेगा, मतलब कि जो भी सारा करंट है जो वो मेरा सरफेस के कंडक्टर के आउटर सरफेस से ही फ्लो करेगा, मतलब सेंटर से मेरा बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही मेरा फ्लो करता है, इसे हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और इसकी खासियत, इफेक्ट बिकम मोर एंड मोर अपेरेंट, मतलब ज़्यादा विजिबल हो जाती है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब मेरा फ्रीक्वेंसी को बढ़ता है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी पे ये मेरा प्रोपोर्शनल है, ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे मेरा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम लोग को देखना ये है कि ये आखिर होता कैसे है, ठीक है, मतलब कि बहुत इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है यार, बहुत लोग जानते होंगे स्किन इफेक्ट, हाँ 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 वो मेरा सरफेस के चारों तरफ होता है, तो मतलब सारा करंट जो है वो मेरा आउटसाइड ही फ्लो होता है, तो ये सब सबको पता होगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि क्यों होता है, कॉज क्या है, तो बहुत लोग क्या बोले, कम ही लोग होते हैं जो एग्जैक्ट रीज़न बता सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट रीज़न बता पाते। तो आज हम लोग एग्जैक्ट में देखेंगे कि असलियत में होता क्या है। ये मेरा कंडक्टर है, ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये मेरा कंडक्टर है अपना, कंडक्टर तो बना हुआ है, चलिए इसमें देखते हैं। कंडक्टर में मेरा, ये मेरा आई सप्लाई है, मान लिया एसी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग सप्लाई किए हैं, बिल्कुल किए हैं, करके देख लिए हैं, ठीक है, आई है, तो आपको पता है कि इसके कारण एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप बताइए, तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा, तो करंट के डायरेक्शन में मेरा अंगूठा रहेगा, और जो मेरे बाकी चारों फिंगर है उसे कर्ल कीजिएगा तो वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो उसका डायरेक्शन मेरा यहाँ पे आया, इस तरह से आया, जो कि मेरा ब्लू वाला शो कर रहा है, एच वाली, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्या वो मेरा कॉन्स्टेंट इन नेचर या फिर वेरिएबल इन नेचर है? वो मेरा एक मेरा बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो एक मेरा एसी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। किसी भी एसी में, किसी भी कंडक्टर में एसी की वजह से जो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मेरा बैरिंग इन नेचर होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता, जिसके कारण उस कंडक्टर में एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है एडी करेंट, ओके, बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दो मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एडी करंट जो है वो मेरा इंड्यूस होता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, किसी भी कंडक्टर में, आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा ये सब, बिल्कुल एडी करंट आता है, ओके। तो अब बात की जाए कि मेरा जो करंट है वो मेरा आउटर सरफेस से ही क्यों जाता है और इनर से क्यों नहीं, तो उसका यहाँ पे रिलेशन है, इसलिए इसे बताया जा रहा। तो अब बात आती है कि जो एडी करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसका क्या काम, मतलब क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा मेन करंट है, इसी कारण से मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब एक मेरा एडी करंट प्रोड्यूस होगा इसी कंडक्टर में, ये जो करंट कंडक्टर के अंदर है, इसी कंडक्टर के अंदर मेरा एडी करंट प्रोड्यूस होगा। आपको पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, ठीक है,
अपने कोच को इफेक्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट मेरे कोच को जो है इफेक्ट कर अपोज करेगी। तो जो मेरा एडी करंट जो प्रोड्यूस हुआ है उसका मेन कोच क्या है, वो मेरा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली, इसके कारण से वो मेरा इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसको अब अपोज करना है, ठीक है। तो हाँ, तो करंट ये था मेरा अपना आई, उसके वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब इसको अपोज करना है इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑब्वियस है कि मेरा करंट का अपोजिट डायरेक्शन में एडी करंट होना चाहिए इस तरफ पे, तब जाके इसे अपोज करेगा। ओके, तो यही यहाँ पे दिखाया गया, ये मेरा आई करंट है, इसी कारण से मेरा एच प्रोड्यूस, मतलब जो ब्लू वाले लाइन है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ, उसके कारण से ये मेरा जो है ईडी करंट आया, आई डब्ल्यू मेरा ईडी करंट है। तो उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, ये मेरा डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ जो है नीचे की तरफ है, ये मेरा ऊपर है, तो यहाँ सेंटर पे मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो जा रहा है और ये साइड में जो है वो मेरा रह जा रहा है, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है एडी करंट जो है वो कंडक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है इन सेंटर, ओके, और बाकी तरफ ऐड हो जा रही है। तो इसका हम लोग एक बार और अच्छे से देखेंगे, इस 3D डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा कंडक्टर था, आई करंट गया, बिल्कुल गया, इसके कारण से मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसे यहाँ पे कट करके हम लोग यहाँ देखा जा रहा है अंदर में क्या हो रहा, तो आई मेरा गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा ओरिजिनल आई गया, ठीक है, ये वाली जो अभी गया, तो उसको कैंसिल करने के लिए एक मेरा एडी करंट, अब एडी करंट डायरेक्ट नहीं हुआ, पहले ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके कारण से मेरा किसी, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एडी करंट प्रोड्यूस करता है। एडी करंट का डायरेक्शन क्या है कि वो मेरा कोच को अपोज करने के लिए उसको इस डायरेक्शन में रहना पड़ेगा, यानी हाउ, तो ये मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, तो मेरे जो सेंटर वाले हैं वो मेरा ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, और जो मेरा और सारे करंट जो है वो मेरा इस ऊपर वाले सरफेस से फ्लो करने लगे, तो ये मेनली रीजन होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाइट वाले करंट डेंसिटी जहाँ पे बहुत कम है, रेड वाली एरिया करंट डेंसिटी मेरा हाई है, ओके। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक कर दें, नहीं आया डिसलाइक कर दें, ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें। द मेन प्रॉब्लम विथ स्किन इफेक्ट इज दैट इट इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर फॉर ए एसी, ठीक है, मॉडरेट और हाई फ्रीक्वेंसी पे। चलिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, आर इजकल टू रो एल वाई ए। अगर किसी भी कंडक्टर में मेरा इफेक्टिव एरिया ही कम हो जाए, एरिया ही कम हो जाए, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा ही, क्यों, क्योंकि पता है कि मेरा स्किन इफेक्ट में होता है क्या कि मेरा जो करंट है वो मेरा बस आउटर सरफेस में जाता है, तो मेरा एरिया तो कम हो गया, बीच वाले से तो जा नहीं रहा, तो एरिया तो मेरा इतना ही में जाना होगा, तो एरिया मेरा क्या हो गया, कम हो गया, और रेजिस्टेंस इसलिए मेरा बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इट कैन सीन मोस्टली इन सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन, ओके, बिल्कुल, ये मेरा जो टेली कम्युनिकेशन वाले होते हैं, कम्युनिकेशन वाले और रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले जो वायर होते हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है, क्यों, क्योंकि पता है कि मेरा जो स्किन इफेक्ट है वो मेरा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और इस सब में जो है ये सारे लाइन में फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज में रहती है, ओके, तो इसमें आप बिल्कुल स्किन इफेक्ट होगा। हालांकि इसको कम करने के लिए एटेन्यूएशन ये सब डाला जाता है, लेकिन ये सब साइड में रख के सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन में जो भी टेली कम्युनिकेशन वाले वगैरह लाइन होते हैं उसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है, ओके। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अभी जस्ट बताया गया, बिल्कुल बढ़ा देता है, क्योंकि इफेक्टिव एरिया मेरा कम हो जाता है तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओके। मोर लॉस अगर, बिल्कुल, अगर मेरा रेजिस्टेंस ही बढ़ जाए तो आई एस का लॉस भी मेरा बढ़ जाएगा, इसी को तो लॉस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट की तरफ, हाउ टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट, ये बड़ी बात है, पहले देख लेते किस किस पर डिपेंड करता है, डायमीटर पर करता है, फ्रिक्वेंसी पे करता है, शेप ऑफ मटेरियल पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है। तो अब कैसे करता है, बात यह है, तो अगर डायमीटर अगर हम लोग बढ़ा दिया जाए तो मेरा स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, ओके, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो मेरा स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। शेप ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल को प्लेन मटेरियल, मतलब कि सॉलिड मटेरियल है पूरी तरह से, एक सिंगल मटेरियल है, तो उसमें मेरा ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रैंडेड यूज कर रहे हैं इस तरह के,
तो मेरा उसमें जो है स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये होती है बात। तो हम लोग रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज करने लगे, स्टैंडर्ड वायर यूज करने लगे आजकल। नेचर ऑफ मटेरियल इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो कंट्रोल रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा, हम लोग को फ्रीक्वेंसी को कम रखना पड़ेगा तब जाके मेरा रिड्यूस होगा, डायमीटर को कम रखना पड़ेगा तब जाके मेरा रिड्यूस रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कितना कम रखना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज के अंदर अगर है, लेस देन 50 हर्ट्ज है, तो उस पर मेरा नेग्लिजिबल होता है। डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो उससे मेरा नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन हालांकि आपको पता है ये सब पॉसिबल है नहीं, 1 सेंटीमीटर का कोई डायमीटर वाले वायर तो रहते नहीं, उससे ज़्यादा ही रहते हैं, तो थोड़ा रिलेटिवली कम किया जाता है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट इंडिया में तो है, लेकिन 50 हर्ट से अंदर तक में इफ़ेक्ट नहीं, 50 हर्ट में दिखने लग जाता है। ओके, लेकिन जो और सब जो वायर होती है टेलीकम्युनिकेशन, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्किन इफेक्ट इज फेनोमिना ऑब्जर्व इन, स्किन इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट आंसर इज सी, कंडक्टर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। द स्किन डेप्थ इज यूज टू फाइंड विच पैरामीटर, तो स्किन डेप्थ जो हम लोग को एसी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि जो डेप्थ क्या होती है, ये डेल्टा वाली लाइन, ये जो है जहाँ पे मेरा करंट जो है वो फ्लो होगा, ये मेरा स्किन डेप्थ बोला है। कितना मोटा रीजन में मेरा करंट जो है फ्लो हो रहा है, उसे हम लोग डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा। इसे हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं क्योंकि बहुत ही पतली होती है वो। तो एसी रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे एक ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा स्किन जो स्किन इफेक्ट है वो मेरा रेजिस्टेंस को बैरी कर देता है, कितना पे क्या हो रहा है। तो वो जो बैरी होता है वो मेरा डेप्थ को भी दिखा देता है कि इसमें हर एक मटेरियल की अलग अलग डेप्थ बनती है, ठीक है। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए कॉपर का कुछ है तो उसका अगर उतना ही कांस्टेंट वाले, मतलब कि मान लीजिए 10 एम्पियर वाले वायर में अगर इतना डेप्थ है और दूसरा मटेरियल लिया गया है, ओके, तो उसका कुछ और डेप्थ है, तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि अच्छा इसके लिए इतना था तो उसका रेजिस्टेंस कुछ था, और इतना डेप्थ हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और रहेगा, ठीक है। सेम मटेरियल में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बिल्कुल, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर बिल्कुल। ये क्या होगा, परमेबिलिटी क्या होगा, मेरा एक मटेरियल हो गया कि वो मटेरियल कितना परमिट करता है करंट को जाने में। तो राइट आंसर है मेरा डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द कॉज ऑफ अ स्किन इफेक्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर या हाई सेंसिटिव। तो राइट आंसर डी मेरा, बोथ ए एंड बी। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो स्ट्रैंडर्ड वायर यूज कर रहे हैं, तो उससे मेरा होता है ये कि जो सेल्फ इंडक्टेंस इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाता है, तो जिस कारण से मेरा स्किन इफेक्ट रिड्यूस होता है, क्योंकि हर एक स्ट्रैंडर्ड वायर खुद में एक वायर की तरह बिहेव करने लग जाता है और ये एक दूसरे पे कैंसिल करने लग जाता है और ऐड करने लग जाता है, तो वो मेरा सॉलिड से कम लॉस करता है। तो राइट आंसर इज मेरा डी, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ की तरफ आते हैं। द कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस इन कंपेरिजन टू इट्स कोर, व्हाट इज द फेनोमिना कॉल्ड, तो राइट आंसर इज सी, स्किन इफेक्ट। व्हाई यूजिंग विच कंडक्टर इज द स्किन इफेक्ट रिड्यूस, किस तरह के कंडक्टर यूज करने से मेरा स्किन इफेक्ट रिड्यूस, तो राइट आंसर इज स्ट्रैंडेड कंडक्टर, अभी जस्ट बताया गया। इन विच ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज द स्किन इफेक्ट ऑब्जर्व, तो राइट आंसर मेरा क्या ऑप्शन दिया, केबल कैरिंग डीसी करंट, डीसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, एसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, या डीसी एज वेल, तो राइट आंसर मेरा सी, एसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली। क्योंकि पता है स्किन इफेक्ट ओनली डिपेंड अपॉन, मतलब ओनली नहीं, मतलब कि मेनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है इस चारों ऑप्शन में, तो डीसी में नो फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, बोथ में नहीं होगा, तो राइट आंसर मेरा सी। स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट आंसर मेरा सी होगा, डायमीटर के स्क्वायर। अगर आप किसी भी कंडक्टर का डायमीटर अगर 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, मान लो कि पहले 2 था अब 4 कर दिया गया, ठीक है, तो मेरा उसका स्क्वायर में बढ़ जाएगा। ओके, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल फॉर व्हाट, सब लाइफ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डायमीटर,
अभी हम लोग शायद बता चुके होंगे, 50 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसमें हम लोग को इफेक्ट नहीं पता चलता, 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें मेरा इफेक्ट पता नहीं चलता। तो राइट आंसर इज मेरा ए। ओके, रिलेशन बिटवीन RAC एंड RDC। ओके, ये अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। RAC मतलब जो AC का रेजिस्टेंस और DC का रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा या नन ऑफ दी। तो राइट आंसर ही मेरा बी, RAC। अभी जस्ट हम लोग बता चुके हैं आपको, आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, क्यों बताया था स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो मेरा सारा करंट जो आउटर सरफेस में जाता है तो जिस कारण से मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन DC में ऐसा नहीं होता। DC में मेरा यूनिफॉर्म रहता है तो मेरा जो है इफेक्टिव एरिया जो ओरिजिनल है वही रहता, तो मेरा इसमें R पे कोई चेंज नहीं पड़ता, लेकिन इसमें R मेरा बढ़ जाता, तो RAC ऑलवेज ग्रेटर देन RDC। तो राइट आंसर इज बी। हाँ, वाई RAC इज लार्जर देन RDC, आपको पता है क्यों? क्योंकि स्किन इफेक्ट के कारण। ओके, अब आते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, एक दूसरा टॉपिक की तरफ आते हैं, एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। ओके, व्हेन द कंडक्टर कैरी द हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज देन करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोलो करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन जो स्किन इफेक्ट है उसमें मेरा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों तरफ बस सेंटर छोड़ के, लेकिन प्रॉक्सिमिटी में ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, वो दूसरे वायर जो है दूसरे कंडक्टर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब आते हैं, यहाँ देखिए बोला गया है व्हेन टू और मोर कंडक्टर आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर ईच अदर, देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा इसका जो वो एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा, जिस कारण से इसका जो मेरा करंट का जो डेंसिटी है वो मेरा रीडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब इधर पे रहेगा, वो मेरा सामने वाले कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो जो मेरा करंट डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी है वो आइदर नियर टू द सेंटर मतलब यहाँ पे हो सकता है, या फिर अवे फ्रॉम दी सरफेस हो, यहाँ से सरफेस। ओके, चलिए फिगर देखते हैं। चलिए ये मेरा दो कंडक्टर, ये मेरा स्क्रीन के बाहर की तरफ करंट आ रहा, बाहर की तरफ अंगूठा करके कर्ल कीजिए, तो ये मेरा इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा, ये क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ करके इसे कर्ल कीजिएगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर आएगा, मतलब कि एज ए सरफेस मेरा दोनों का दोनों ऐड हो रहा, तो यहाँ पे मेरा करंट डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल करंट डेंसिटी यहाँ पे मेरा ज़्यादा है और इधर पे कम है, मतलब हाँ कम है इसके कंपेरिजन। अब सेकंड की बात करें, दोनों में मेरा आउटर है, इसमें भी डायरेक्शन अब देख लेते हैं एक एक करके, इसका डायरेक्शन यहाँ और इसका डायरेक्शन यहाँ, मतलब एज ए यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इधर जा रहा और इसमें ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब कैंसिल कर दे रहा एक दूसरे को, तो यहाँ पर मेरा कम हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप समझ में आएगा। अब देखते हैं ये इसे रिड्यूस कैसे किया जाए, रिड्यूस करने से पहले देखते हैं कि कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, डायमीटर पर, फ्रिक्वेंसी पर, शेप पर और मटेरियल पर। सेम एग्जैक्ट स्किन इफेक्ट के जैसा, डायमीटर बढ़ाने पर प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगा, शेप ASCR अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरा रिड्यूस होगा, इसलिए हम लोग ASCR होते हैं, उसमें क्या होता है बीच में स्टील और चारों तरफ स्टील सॉरी एल्युमिनियम रहते हैं। इसका दो यूज है ASCR का, सबसे पहले तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक में इंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है सेल्फ रिएक्टेंस को, वो बात की बात है, लेकिन स्किन इफेक्ट में भी इसका बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि पता है कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो मेरा करंट को बाहर की तरफ से ले जाता है, मतलब बीच का कोर को ज़्यादा यूज होता नहीं, इसलिए इसमें हम लोग स्टील को यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है कंपेरिजन टू एल्युमिनियम और थोड़ा सस्ता भी है और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता था, इसी कारण से हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके, और मटेरियल की बात करें जाए, मटेरियल फेरोमैग्नेटिक अगर है तो उसमें मेरा इफेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से पास हो जाती है। चलिए क्वेश्चन टाइम आते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी किस में ज़्यादा देखा जाता है, ओवरहेड लाइन, पावर केबल, DC ट्रांसमिशन या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ नन ऑफ द एबव हटा के आप इसे अंडरग्राउंड केबल कर लें, क्योंकि
जो मेरा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो मेरा अंडरग्राउंड केबल में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें जो है अगर कहीं पे खुदाई करके अगर अंडरग्राउंड केबल बनाया जा रहा है तो उसमें एक लिमिटेड डिस्टेंस रहता है कि आप इतना ही डिस्टेंस तक के कर सकते थे, जिसमें मेरा इंट्रैक्शन जो है वो बहुत हाईली रहता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड। ओवरहेड में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहता, लेकिन अंडरग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बंडल में तीनों का तीनों वायर रहता है, आपको पता होना चाहिए, इस तरह से रहते हैं, और एक रबड़ का सेल में तीनों रहते हैं RYV, तो बहुत ही हाईली इंट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा अंडरग्राउंड केबल। नेक्स्ट देखते हैं, द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट बी यूनिफॉर्म इन द कंडक्टर विच इफेक्ट। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, मतलब गलत करते हैं मैक्सिमम लोग। यहाँ पढ़ते हैं करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंडक्टर, बस इतना करके स्किन इफेक्ट मार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ बोला गया था करेंट डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट बी यूनिफॉर्म, मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ओके, इन कंडक्टर। वो इफेक्ट कौन सा था? वो मेरा अप्रॉक्सीमेटी है, क्योंकि आपने देखा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। थर्ड में आते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज ड्यू टू करेंट फ्लोइंग इन दी राइट आंसर इज सी नियर बाई कंडक्टर। अगर अभी जस्ट देखे कि ये मेरे दूसरे कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ये किस इसका डायरेक्शन किधर है, अगर तो इसमें मेरा क्या होगा, बीच में हाईली ज़्यादा हो जाएगा, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन हो तो बीच में मेरा कम हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा बगल वाले कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज मोर इन लार्ज कंडक्टर हाईली फ्रिक्वेंसी, बी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सी रिड्यूस द सेल्फ रिएक्टेंस, डी ऑल ऑफ द राइट आंसर मेरा डी। ये प्रॉक्सिमिटी ये तीनों के लिए वैलिड है। ओके, तीनों इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए, ये हो गया आज के लिए कंप्लीट। आप लोग नेक्स्ट में देखेंगे कोरोना और फेरांटी देखेंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग सारे पावर सिस्टम ख़त्म करेंगे। एक वीक में हम मोस्टली जो है सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, ख़राब लग रहा हो बिल्कुल डिसलाइक कर दें, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।